उर्वशी देवराज इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा और अन्य अप्सराओं की प्रमुख थी। एक समय था जब पृथ्वी महान ऋषि मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था, देवराज इंद्र अपनी कोई अप्सरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे, ताकि इंद्र का सिंहासन कोई और न छीन सके। इंद्र की ही एक अप्सरा मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। स्वयं उर्वशी ने पूर्व के पूर्वज पुरुरुवा की तपस्या भंग की और उनके साथ विवाह भी किया था। इसी उर्वशी ने ऋषि विभांडक की तपस्या भी भंग की थी, जब अन्य अप्सराएं हार मान बैठी थी। एक तरह से कहा जाए तो उर्वशी देवराज इंद्र का अचूक अस्त्र थी, किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी। मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त थे। एक बार वे घोर तपस्या कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि की इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्र के सिंहासन के लिए ही तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से जगाने के लिए देवराज ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग न कर सकी। अंत में कोई और उपाय न देखकर इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा, ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने तरह तरह के नृत्य करके उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु सफल न हो सकी। फिर उर्वशी ने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया न देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय न देखकर उर्वशी निर्वस्त्र हो गई। किंतु देवताओं के लिए भी दुर्लभ उर्वशी का ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना नहीं जागी। किंतु इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए वे देख न सके और उन्होंने आदर पूर्वक उर्वशी से कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्त्र आदि धारण करके उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, मैं उर्वशी हूँ। देवराज इंद्र की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। आप जीत गए, मैं हार गई। मैं इंद्र की पटरानी हूँ। अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्ग लोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। ऋषि ने शांत भाव से पूछा कि आप अभी इंद्रानी हैं और इंद्र की मृत्यु हो जाए फिर आपका क्या होगा? फिर आपके सम्मान का क्या होगा? इस पर उर्वशी ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। इंद्र का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। एक इंद्र के जाने के बाद दूसरे इंद्र उस गद्दी पर आ जाते हैं। एक इंद्रानी की आयु इतनी होती है जितने 14 इंद्र की होती है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इंद्रानी का पुण्य इंद्र से अधिक होता है, इसलिए वो इंद्र से अधिक समय तक स्वर्ग में रहती है और 14 इंद्र के साथ स्वर्ग का सुख प्राप्त करती है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब आप क्या करेंगी? इसका जवाब देते हुए उर्वशी ने बताया, पुण्य का नाश होने पर इंद्र स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में वापस आ जाते हैं और उन्हें गधे का जन्म मिलता है। इंद्रानी भी पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक में गधे का जन्म लेकर आ जाती है और अपने 14 पतियों के साथ रहती है। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज इंद्र वहाँ आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्ग लोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्ग लोक का शासन संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूँगा? महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है, उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल? इसलिए मेरी ओर से निश्चिंत रहे और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहे।
मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र निश्चिंत हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।